हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर 18 के बारे में पढ़ा कि किस तरह से विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा, किसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने विटनेस को पहले बुलाए, पहले अपना आर्गूमेंट स्टार्ट करे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑर्डर 18, इसका पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आपके लेफ्ट कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ जाकर इसका पार्ट वन ज़रूर देखें ताकि पार्ट टू को आप अच्छे से समझ पाएँ। आगे चलते हैं। देखिए, ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इसको हमने टोटल 19 रूल्स जो दिए गए हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट वन, जहां हम रूल वन से रूल नाइन तक हमने किया है प्रीवियस वीडियो में, और पार्ट टू जिसको आज करने वाले हैं वो रूल 10 से लेकर 19 तक होगा। पार्ट वन हम पहले कर चुके हैं, आज पार्ट टू करेंगे। तो अभी चलते हैं रूल 10 की तरफ। रूल 10 यहाँ पर क्या कहता है कि एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, यानी कि कोई भी विशेष पर्सन और उसका उत्तर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन और उसका आंसर, इट मे बी टेकन डाउन। बेरेक्ट यहाँ पे कहता है कि द कोर्ट मे ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिमिशन है दैट मे ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी कि सुओ मोटो में, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी और हिज प्लीडर, या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे या उसके प्लीडर के द्वारा एप्लीकेशन दी जाए, टेक डाउन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर और एनी ऑब्जेक्शन टू एनी क्वेश्चन If there appears to be any special reason for doing so, किसी भी ऐसे क्वेश्चन या आंसर को वो नोट डाउन कर सकता है। जब आपने मूवीज में देखा होगा कि बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, इट मीन्स अगर कोई भी किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लाया जाता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी कोर्ट नोट करता है, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। फिर रूल 11 क्या बात करता है, ये कहता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड एंड अलाउड बाई द कोर्ट। देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन किसी विटनेस से पूछा जाता है और उसे कोई पार्टी या उसका कोई प्लीडर ऑब्जेक्ट कर देता है तो कोर्ट क्या कर सकता है उस टाइम पे, कोर्ट अलाउज द सेम टू बी पुट, ऑब्जेक्शन के लिए अलाउ कर सकता है। और जो जज है, द जज सेल मेक डाउन द क्वेश्चन, ठीक है, जज सेल टेक डाउन द क्वेश्चन, जज उस क्वेश्चन को लेगा और आंसर भी लेगा, द ऑब्जेक्शन एंड द नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन के ऊपर एक ऑब्जेक्शन, किसी को अगर क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया है किसी भी पार्टी या प्लीडर ने, तो जज क्या करेगा, उस क्वेश्चन को नोट करेगा, उसके आंसर को और ऑब्जेक्शन, और किस व्यक्ति ने उसको किया है, द नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, टुगेदर विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट देयर ऑन, ठीक है, उसके साथ में नोट डाउन करेगा। रूल 12, रूल 12 बात करता है रिमार्क्स ऑन डिमेनर ऑफ विटनेस। डिमेनर होता है किसी भी व्यक्ति की भावभंगिमाएं, गवाह की जो भाव भंगिमाएं होते, जो हाव भाव होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो मटेरियल है, ठीक है, उनकी कोई मैटर करती हैं, इम्पोर्टेंस है उस केस में, तो ऐसी भाव भंगिमाओं को भी वो रिकॉर्ड करेगा, नोट करेगा। रूल 13 यहाँ बात करेगा मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस। देखिए, ये बात करता है कुछ अनअपीलेबल केसेस की। मेमोरेंडम की बात हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस रूल्स में कि जज, जब के जज के सामने कोई एविडेंस नहीं लिया जाता है तो जज एक मेमोरेंडम तैयार करता है। यहाँ बात करता है ये कौन से मेमोरेंडम की, जब एविडेंस किसी अनअपीलेबल केसेस में लिया जाता है। इन केसेस इन विच एन अपील इज नॉट अलाउड शैल नॉट बी नेसेसरी टू टेक डाउन। देखिए, जिन केसेज में अपील अलाउड नहीं होती है उन केस में ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है टू टेक डाउन और डिक्टेट और रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द विटनेस एट दी लेंथ। यहाँ ध्यान देने की बात है कि लेंथ में उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जज है, एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड, जैसे जैसे गवाहों के बयानात आगे बढ़ेंगे, ही शैल मेक इन राइटिंग और डिक्टेट डायरेक्टली ऑन टाइप राइटर और कॉज टू बी मैकेनिकली रिकॉर्डेड अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द विटनेस डिपोज एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाई दी जज। ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसे केस जो अनअपीलेबल केसेज होते हैं जहाँ अपील अलाउड नहीं है,
वहाँ पे उनका लेंथ में पूरा लेंथ ही सब कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। एक क्या करता है, जज एक मेमोरेंडम रेडी करता है और डिक्टेट करता है या टाइपराइटर भी करवाता है टाइपिंग या खुद से लिखता है, तो उस केस में एक मेमोरेंडम तैयार करेगा वो कि जो वो कहना चाहता है उसकी जिस्ट क्या है, जो है उस जिस्ट को नोट करेगा और ऐसे मेमोरेंडम को वो साइन करेगा और अदरवाइज ऑथेंटिकेट एंड सेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और ऐसा जो उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद इट शैल बी पार्ट ऑफ दी रिकॉर्ड। तो रूल 13 आपका बात करता है उन केसेस के बारे में जिनमें अपील अलाउड नहीं होती है। बात करेंगे रूल 15 की। देखिए आप बोलेंगे कि रूल 14 तो आया ही नहीं। रूल 14 क्या था, जज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम टू रिकॉर्ड रीजन ऑफ हिज इनेबिलिटी। जब हम जो रूल 13 में अभी पढ़े मेमोरेंडम के बारे में, उसके लिए था कि जब जज नहीं कर पाता ऐसे मेमोरेंडम तो अपनी इनेबिलिटी को रिकॉर्ड करना, लेकिन उसको रिपेल कर दिया गया है 1976 के अमेंडमेंट में, उसको रिपेल कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी आ जाइए अब रूल 15 पर सीधा। रूल 15 बात करता है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। ये यहाँ बात करेगा कि जो एविडेंस किसी दूसरे जज के सामने लिया गया था तो उसको डील करने की क्या पावर दी गई है। वेयर अ जज इज प्रिवेंटेड बाय डेथ ट्रांसफर और अदर कॉज फ्रॉम कंक्लूडिंग द ट्रायल ऑफ अ सूट। मान लीजिए कोई जज है जिसने एविडेंस तो ले लिया लेकिन अभी वो भाई सूट को कंक्लूड नहीं कर पाए थे, ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले भगवान ना करे कि भाई किसी की डेथ हो जाए, उनकी डेथ हो जाती है या उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई भी ऐसा दूसरा कॉज जो ट्रायल ऑफ द सूट को कंक्लूड नहीं होने देता है, तो हिज सक्सेसर मे डील विद एनी एविडेंस और मेमोरेंडम टेकन डाउन और मेड अंडर द फोरगोइंग रूल्स। जितना आपने अब तक पढ़ा, जो भी एविडेंस लिए गए, मेमोरेंडम तैयार किए गए, तो उनके बाद जो भी वहाँ पे आएगा, जो उस चेयर पे जज आएगा, वो उन सबको ले सकता है, आगे ट्रायल को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इफ सच एविडेंस और मेमोरेंडम हैड बीन टेकन डाउन और मेड बाय हिम अंडर हिज डायरेक्शन अंडर द सेट रूल्स एंड मे प्रोसीड विद द सूट फ्रॉम द स्टेज एट विच हिज प्रीडेसर हैड लेफ्ट इट। जहाँ पे उसने छोड़ा है वहीं से अगला जज उसको चालू करेगा उसी स्टेज से। सब रूल 2 यहाँ पे कहता है कि प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 सेल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एविडेंस टेकन इन अ सूट ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 24। ये जो रूल 15 है ये तो हमने बात की अभी सब रूल 1 में कि जब डेथ हो जाती है, ट्रांसफर या अदर कॉज। यहाँ भी ये वही बात कह रहा है कि जब सेक्शन 24 क्या बात करता है, ट्रांसफर ऑफ सूट की बात करता है। भाई एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आपका मुकदमा जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो यहाँ भी ये बात वहाँ भी लागू होती है। रूल 16 पे आते हैं पावर टू एग्जामिन विटनेस इमिडिएटली। मान लीजिए किसी गवाह को एकदम से आपको एग्जामिन करना है तो उस केस में क्या होगा। देखिए जहाँ पे विटनेस आपको एकदम से एग्जामिन करना है, वेयर अ विटनेस इज अबाउट टू लीव द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए कोई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को छोड़ के जाने वाला है या कोई ऐसा सफिशियंट काज है जिसमें ये दिखता है कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि उसका एविडेंस इमिडिएटली ले लेना चाहिए, भाई वो बहुत बीमार है, उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है कल को, या उसको इमिडिएटली कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअवॉइडेबल कंडीशन है, तो कोर्ट में अपॉन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, तो पार्टी एप्लीकेशन देगी। ठीक है, या वो विटनेस भी एप्लीकेशन दे सकता है। या देखिए एप्लीकेशन कौन दे सकते हैं, पार्टी दे सकती है या वो विटनेस दे सकता है। एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब आपका एक बार ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 के हिसाब से केस इंस्टीट्यूट हो जाता है, केस शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी भी वो एप्लीकेशन देकर उसका एविडेंस लिया जा सकता है जैसा कि इसमें दिया गया है। ये सारे रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उसको ट्रायल से पहले ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, इमिडिएट लिया जा सकता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि विटनेस को कहीं जाना है वो ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के जा सकता है, या कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है किसी भी दूसरे ऐसे रीजन से। सब रूल 2 यहाँ पे कहता है कि वेयर सच एविडेंस इज नॉट टेकन फोर्थ विद एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी सच नोटिस एज कोर्ट थिंक्स सफिशियंट ऑफ द डे फिक्स फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी गिवन टू पार्टी। देखिए ये पार्टीज के प्रेजेंस में ही होगा और कोर्ट इसमें क्या करता है, कोर्ट को सही लगता है न्यायालय को तो न्यायालय एक दिन फिक्स कर दिया कि इस दिन हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे और पार्टीज को नोटिस दे दिया जाएगा। द एविडेंस सो टेकन शैल बी रीड ओवर टू द विटनेस। जो
जो लिया जाएगा एविडेंस वो विटनेस को पढ़ के सुनाया जाएगा, और अगर वो एडमिट करता है कि ये सही है तो शैल बी साइंड बाई हिम। जब वो कहता है, वो एडमिट कर लेता है, विटनेस कौन, विटनेस एडमिट कर लेता है कि ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है जी, उसके बाद वो साइन करेगा उसको, और उस पर जज जो है इफ़ नेसेसरी करेक्ट द सेम, अगर वो कुछ बोलता है कि करेक्ट में आप ये चीज़ करेक्ट कर दीजिए, करेक्शन ज़रूरी है, तो जज भी वो करेक्शन करता है उसमें, और ही विल ऑल्सो साइन द सेम एंड देन बी रीड एट द हियरिंग ऑफ द सूट। और फिर सेम गवाही को जब हियरिंग होती है, सूट की ट्रायल होता है, तब फिर से उसको पढ़ा जाता है। तो ये हम बात हो करते हैं रूल 16 में, जब विटनेस को कहीं पे जाना होता है, वो ट्रायल के टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकता ड्यू टू एनी प्रॉब्लम्स, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है उन कोर्ट से, तो ऐसे केस में ट्रायल से पहले भी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एप्लीकेशन देने के बाद उस गवाही को लिया जा सकता है। रूल 17 यहाँ क्या बात करेगा, कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन द विटनेस। देखिए, जब कोर्ट को किसी भी स्टेज पे लगता है कि जो हम पहले जिस गवाही ले चुके हैं जिस गवाह की, वो हमें दोबारा लेनी है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट द कोर्ट कैन रिकॉल एनी विटनेस हु हैज़ बिन एग्जामिन, जिसका ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द एविडेंस एट द टाइम बींग इन फोर्स एंड पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज कोर्ट थिंक्स फिट। जिसका एग्जामिनेशन हो उसको दोबारा बुला सकता है, कोर्ट रिकॉल कर लेगा, और जैसा उसको क्वेश्चन सही लगेगा वो उसके सामने पुटअप करेगा और उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। रूल 18 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, कि कोर्ट इंस्पेक्ट कब कर सकता है, इसकी पावर क्या है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज, देखिए, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और थिंग, किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी वस्तु को, कंसर्निंग विच एनी क्वेश्चन में अराइज। देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी वस्तु है जो कंसर्न करती है किसी भी ऐसे क्वेश्चन से जो अराइज हो सकता है, ठीक है, इन दैट सूट, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इंस्पेक्ट करेगा किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को या किसी भी ऐसी थिंग को एज सून एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जो जैसा कि संभव हो सकेगा, और उसके लिए एक मेमोरेंडम तैयार करेगा, ही विल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ एनी रिलीवेंट फैक्ट्स ऑब्जर्व एट सच इंस्पेक्शन एंड सच मेमोरेंडम शैल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सूट। तो उस टाइम भी क्या करेगा, जब इंस्पेक्ट करेगा किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी थिंग को, एक मेमोरेंडम तैयार करेगा कौन से पॉइंट उससे निकल कर आए, उन पॉइंट्स को पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट रखेगा। रूल 19 जो है लास्ट रूल हमारा, ये बात करता है कि भाई द पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन। कमीशन हम बात कर चुके हैं, ऑर्डर 26 में दिया गया है, और यहाँ पे जब स्टेटमेंट जो है कमीशन के द्वारा कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस रूल द कोर्ट मे इंस्टीड ऑफ एग्जामिन विटनेस इन ओपन कोर्ट डायरेक्ट देयर स्टेटमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन कमीशन अंडर रूल 4A ऑफ ऑर्डर 26। जो रूल 4A है ऑर्डर 26 का, ऑर्डर 26 क्या है हमारा, ये कमीशन्स की बात करता है, उसमें जो रूल दिए गए हैं उसमें कमीशन किसी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। देखिए, कमीशन कब रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट, जब न्यायालय में किसी विटनेस को बुलाया जाना पॉसिबल ना हो, जैसा हमने हमारे कुछ वीडियोस में पिछले में देखा था कि जब जेल में किसी को समन भेजा जाता है विटनेस के लिए, और अगर वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ऑर्डर 16A का रूल 1 है ये, तो उस केस में हम कमीशन नियुक्त करते हैं न्यायालय, और कमीशन उसको रिकॉर्ड करके लेकर आता है स्टेटमेंट। ये सेम बात यहाँ पे कर रहा है, तो स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर सकता है, फिर कमीशन रिकॉर्ड कर सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कमीशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नियुक्त होता है कमीशन, कैसे कमीशन की पावर होती हैं, कितने टाइम के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया हो अभी तक, और जुड़े रहिए ताकि CPC की अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें, ताकि हम CPC को और से बेटर वे में समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।